आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह को इजराइल ने मार गिराया तो भारत में मातम मनाया जा रहा है। जगह जगह पर लोग नसरुल्लाह के लिए गम मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठाता है कि भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर एक आतंकवादी मारा जाता है और इस देश में लोग गम मनाते हैं, उसके लिए कैंडल मार्च निकालते हैं और जगह जगह से जम्मू कश्मीर से लेकर के यूपी की राजधानी लखनऊ तक ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने हैरान कर दिया है कि एक आतंकवादी के लिए इतनी हमदर्दी, एक आतंकवादी संगठन के मुखिया के लिए इतनी हमदर्दी। ये वही देश है जहां एक समय आतंकवादी अफजल गुरु को भी बचाने के लिए लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी थी और अब एक आतंकवादी की मौत पर लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और कई नेता तो ऐसे हैं जो अपनी चुनावी जनसभाओं को भी, चुनावी रैलियों को भी जिन्होंने स्थगित कर दिया था। तो चलिए आपको बताते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए घाटी में लोगों ने गम मनाया, ये तस्वीरें देखिए कितनी बड़ी संख्या में एक आतंकवादी के मौत पर लोग इकट्ठा हुए हैं। एक आतंकवादी मारा गया जिसने लोगों के हाथों में हथियार थमाया, उस आतंकवादी के समर्थन में देखिए किस तरीके के इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा था। इसके अलावा ये तस्वीरें लखनऊ की हैं जहां कैंडल मार्च निकाला गया। लखनऊ के कई इलाकों में तो दुकानें बंद कर दी गई हैं, हुसैनाबाद में दुकानों पर काले झंडे लगा दिए गए, शोक मनाया जा रहा है, एक आतंकवादी की मौत पर शोक मनाया जा रहा है। आप देखिए कैंडल मार्च निकाला गया। अब इन तस्वीरों में इन बच्चियों को देखिए, ये तो आप देखिए ये बड़ी है, ये बड़ी उम्र में लग रही, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चियों को देखिए, ये छोटी बच्ची मुश्किल से 4-5 साल की, ये 6-7 साल की, ये मुश्किल से 7-8 साल की, ये 4-5 साल की, मतलब छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कैंडल थमा करके एक आतंकवादी के लिए हमदर्दी दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में सोचिए कितनी, मतलब कितनी कहानी है इसकी, क्या आलोचना करिएगा इन तस्वीरों की, क्या कहिएगा? छोटे बच्चे को क्या पता नसरुल्लाह कौन था, उनके माँ बाप ले आए, हाथों में कैंडल पकड़ा दिया, चलो एक आतंकवादी के समर्थन में आंसू बहाने, मतलब क्या हाल बना रखा है। आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे हैं इन तस्वीरों में, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। इन छोटे बच्चों को क्या पता कि जिसकी तख्ती लिया है इन लोगों ने, जिसके बैनर पोस्टर हाथ में लिए हैं, जिसकी तस्वीर ली है, वो एक आतंकवादी है और 60 से ज्यादा देशों ने उसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। कितनी मौतों का वो गुनाहगार था, कितनी मौतों का वो गुनाहगार था। आप देखिए किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में, आप देखिए बच्चों को मतलब कैंडल मार्च में शामिल किया जा रहा है। तो देश में कई ऐसे भी नेता हैं जो इनके लिए आंसू बहा रहे हैं, हमदर्दी जता रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं, दरअसल मातम फैला हुआ है, नसरुल्लाह की मौत पर 4,500 किलोमीटर दूर वो मरा है और भारत में मातम मनाया जा रहा है। क्या सिर्फ एक धर्म की वजह से? क्या नसरुल्लाह मुसलमान था इसीलिए इस देश के मुसलमान भी उसके समर्थन में मतलब आंसू बहाएंगे, मातम मनाएंगे? ये एक बड़ा सवाल। और साथ साथ ये भी देखिए, महबूबा मुफ्ती, इमरान अंसारी ने अपनी रैली तक भी कैंसिल कर दी थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने रैली भी कैंसिल कर दी। श्रीनगर के एमपी जो हैं आगा रहुल्ला ने भी अपनी रैली को स्थगित कर दिया था। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि इजराइल पर दबाव बनाए। भाई क्या मतलब, एक आतंकवादी के समर्थन में इतनी हमदर्दी, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा क्यों आप लोग करते हैं? इस देश के जो नेता हैं इस तरीके की चीज़ें क्यों करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने बयान क्या दिया था। उन्होंने कहा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खासकर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता में कल अपना अभियान रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख और अनुकरणीय प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। इन्होंने शहीद बता दिया, नसरल्लाह को शहीद बता दिया। पीडीपी की चीफ हैं, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और चुनावों में फिर से मैदान में हैं, लेकिन ये एक आतंकी को शहीद बता रही है, शहीद बता करके इसका महिमा मंडन कर रही है। मतलब देखिए कि नेताओं की सोच कैसी हो गई है कि एक आतंकवादी को शहीद का दर्जा, बड़ा हैरान करता है। इस तरीके के बयान
बहुत तरह के सवाल पैदा करते हैं। इसके अलावा सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से आगा रूहुल्ला, इन्होंने क्या कहा, एक महान शहादत हुई है। इन्होंने आतंकी की मौत को महान शहादत बताया। आप सोचिए, एक आतंकवादी मारा गया और उसकी मौत को महान शहादत बता रहे हैं। वह मुस्लिम उम्मा की ताकत थे, बताइए तो ताकत बताया जा रहा है एक आतंकवादी को। वह इजरायली उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे थे, तो योद्धा बताया जा रहा है। वह महान नेताओं में से एक थे, मतलब उनको महान नेता बताया जा रहा है। इस तरीके का महिमा मंडन किया जा रहा है एक आतंकवादी का। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से हिजबुल्लाह का कुछ कनेक्शन भी था। दरअसल जम्मू हिजबुल्लाह के एक नेता हैं शेख नईम कासिम, उन्होंने मांग की थी कि कश्मीर में मेमोरेंडम किया जाए, यानी जनमत संग्रह कराया जाए, उसके बाद कश्मीर के लोगों को ही फैसला लेने दिया जाए कि वो किस तरफ रहना चाहते हैं। ये वो नेता हैं शेख नईम कासिम, हिजबुल्लाह के नेता हैं, एक आतंकी संगठन के नेता हैं। पहले तो इनकी जरूरत कैसे हुई भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की, लेकिन अगर इन्होंने कुछ बयान दिया भी तो इनके बयान को लेकर के इस देश के नेता इतना रिएक्ट क्यों कर रहे थे। इन्होंने क्या कहा था, कश्मीर के लोगों को अपने फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए। उनका गुट जम्मू कश्मीर के लोगों का समर्थन करता है जो आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग कर रहे हैं। बताइए किस तरीके से हिजबुल्लाह भारत में अलगाववादियों के मंसूबों को मतलब बल दे रहा है, एक आतंकवादी संगठन, और भारत के अलगाववादियों से यह कह रहा है कि आप जो है मतलब आगे बढ़िए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए और हम आपके साथ हैं। इस तरीके की बातें हो रही हैं। शेख नईम कासिम आगे और भी कहता है, हम कश्मीर और कश्मीरियों का समर्थन करते हैं जो आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि कश्मीरियों का अपना भाग्य चुनने का हक देने से ही चीजें हल होंगी, केवल कानूनी और राजनीतिक रास्ते ही समाधान मिलेगा। बताइए किस तरीके की ये बात कर रहे हैं, भारत में अलगाववादियों को हवा दे रहे हैं, और ऐसे लोगों के, इस तरीके के संगठन के लोगों का भारत में कई नेता समर्थन कर रहे हैं। उनके समर्थन में मतलब एक आतंकवादी मारा जा रहा है और उसके लिए रैलियां निकाल रहे हैं, रैली को स्थगित कर रहे हैं, उसको शहीद बता रहे हैं, कोई महान शहादत बता रहा है, इस तरीके का महिमा मंडन किया जा रहा है। आपको बता दें आखिर हिजबुल्लाह क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इवन बहुत सारे मुस्लिम देश भी हैं जो हिजबुल्लाह और उसके जो चीफ हैं नसरुल्लाह मारे गए हैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बच रहे हैं। वो बस इतना कह रहे हैं कि भाई इजराइल मतलब कार्रवाई ना करे, लेकिन वो नसरुल्लाह की मौत को मतलब उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। बहुत से मुस्लिम देश भी ऐसे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस संगठन को यानी हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, हालांकि बाद में उसने इसी साल वापस ले लिया। अब आपको बता दें कि 1997 में यूनाइटेड स्टेट्स ने आतंकी संगठन घोषित किया था हिजबुल्लाह को। मतलब आप देख लीजिए किस तरीके से एक आतंकवादी संगठन के नेता के मारे जाने के बाद इस देश में तमाम लोग आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, गम में डूबे हैं, मातम मना रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं कि क्या एक आतंकवादी की मौत पर रोना सही है। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, भारतीय संविधान ने दिया है, लेकिन अच्छे विषयों के लिए दिया है, आतंकवादियों के समर्थन के लिए नहीं दिया है। आतंकवादियों का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात भी की है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ हैं। तो एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद देश की सड़कों पर उसके समर्थन में रैलियां निकालना कितना उचित है, आप ही जवाब दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।